हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप गाइज आप सब लोग ठीक होंगे और सबको मेरी तरफ से पहला को नमस्कार। उत्तराखंड की एक खूबसूरत वादी में आपका स्वागत है। फिलहाल दोबारा से घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी खुश हूं मैं घर पहुंच के। और आज मैं आया हूं इस कड़ी धूप में, धूप पड़ के यहाँ मस्त तगड़ा बात हो और ठंडा हो रहा था, कोहरा लगा था दिल्ली में ख़तरनाक। और यहाँ धूप सेक रहे हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं और इस शानदार से ग्राउंड में आज एक टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला आज है कल आज ही हो सकता है, मतलब चांसेस हैं कि आज कंप्लीट हो जाएगा ये फाइनल। और काफ़ी लोग देखने आए हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और ग्राउंड देख सकते हैं कितना शानदार, चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ, वो भी तेजपात के पेड़। हर जगह कमाई का साधन है गांव में और दूर दूर से आए हैं, बहुत जॉब करते हैं सब लोग, घूमने आए हैं, मतलब मैच का आनंद लेने आए हैं, खेलने भी आए हैं अपनी लोकल टीम से। और फिलहाल मैं आपको एक शानदार व्यू देता हूँ ग्राउंड को, आप देखें और इन्जॉय करें। और अब धीरे धीरे गाँव के ब्लॉग आते रहेंगे क्योंकि अभी तो हम भी बाहर थे, लॉकडाउन के कारण सब घर आ चुके हैं और हम भी घर आ गए हैं। फिलहाल देखते हैं, मौका मिलेगा तो खेलेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैच देखेंगे। वैसे भी हम तो बहुत बड़े प्रशंसक हैं, खेलने वेलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैच देखने का पूरा आनंद उठाएंगे। तो यहाँ पे एक टीम प्रैक्टिस कर रही है और कुछ दर्शक देखने भी आए हैं और अपना विराट भी आ चुका है और कुछ भाई लोग यहाँ बैठे हैं। फिलहाल अभी दो दिन बहुत भयंकर बारिश हुई थी ना गाँव में, उसकी वजह से आप देख सकते हैं वहाँ पर पानी भर चुका है पूरा। थोड़ा विलम्ब किया था इसने, फिलहाल थोड़ा क्लियर है बट ठीक ठाक हो गया। और पिच इन्होंने तैयार कर दी है और चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ, साल के, तेजपात के, आम के, और बीच में मस्त छोटा सा एक ग्राउंड गांव का। काफ़ी मेहनत की है यहाँ के बच्चों ने इस ग्राउंड को बनाने के लिए, सब बिल्कुल साफ़ कर दिया पत्थर वत्थर यहाँ से। और वहाँ पर उनका वो मंच है जहाँ पर चाय वाय खाने पीने का बनता है टीमों के लिए। गाँव में तो इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और काफ़ी बेहतरीन टूर्नामेंट रहते हैं गाँव में, काफ़ी आनंद उठाते हैं। आसपास की गांव की टीमें आती हैं इसमें इस टूर्नामेंट का आनंद उठाने के लिए। फिलहाल हम भी इंजॉय करते हैं, धूप सेकते हैं और मज़े करते हैं हमारे युवा साथियों से। कैसा लग रहा है टूर्नामेंट देख के, मज़ा आ रहा है कि नहीं? टूर्नामेंट देख के बहुत मज़ा आ रहा है। खेला तुमने कहीं से? खेला यहीं की टीम से था। अच्छा, लोकल की टीम से खेला आपने भी? हमने भी खेला। और एक बच्चा सहमत ताल का है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब छोटे छोटे जो यंग खिलाड़ी हैं ना तैयार हो रहे हैं फ्यूचर के लिए, गाँव की टीम तैयार हो रही है, मतलब फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। ये देख सकते हैं विराट भी आया हुआ है और विराट भी खेलने का बहुत बड़ा शौकीन बाज है। और फिलहाल इंतज़ार करते हैं, अब मैच का टॉस होने वाला है और जोशी जी कैप्टन आ गए हैं, ये यहाँ की लोकल टीम के कप्तान हैं। और ये भी काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चा है, हमारे गांव का पूरा टॉपर रहा था चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में भी इसका नाम था, काफ़ी बेहतरीन खेल। 94 सो गाइस, मैच काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और बुरी हालत हो चुकी है हमारी लोकल टीम की। दोनों लोकल ही हैं, मतलब अलग अलग गांव से आई हुई हैं और काफ़ी जो घरेलू टीम है उन्होंने बहुत जल्दी अपने विकेट खो दिए हैं। और हमारे साथ बैठे हैं भंडारी जी, भराते अभी विकेट खो के आए हुए और हमारा इसका नाम है लालू, चल बे। ये है लालू, भोटिया कुत्ता है अपने यहाँ का। काफ़ी दर्शक आए हुए हैं देखने के लिए, दूर दूर से आप देख सकते हैं वहाँ मंचा सीन और मौसम देखें आप कितना बेहतरीन हुआ है। वहाँ पे हमारा यंग खिलाड़ी खेल रहा है, छुट्टियाँ हैं आज, अच्छी छुट्टियाँ हैं, भर्ती हो गए ना ये भी? चलो बढ़िया, देख सकते हैं गाइस मैच चल रहा है और काफ़ी शानदार, लोग धूप के भी आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग आए वहाँ मुझे आए, सब लोगों ने हमने भी लपेट ली। ब्लॉग नहीं आए तुम्हारे? आएंगे, आ जाएंगे। और अभी ये जो मैच चल रहा है तनुपुर और राणा 11 के बीच चल रहा है, सेमीफाइनल मुकाबला है, 46 रन चुके हैं, काफ़ी शानदार मुकाबला और जिसके बाद जो भी जीतेगा वो फाइनल मुकाबला खेलेगा। आराम से खेल यार,
Thank you.
Thank you.
फाइनली हम भी जीते हैं। और इसी के साथ जो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमने भी काफी एंजॉय किया प्राइज जीत के। ये आज होगी पार्टी। विराट कुछ कहना चाहता है कैसा क्यों? विराट कुछ नहीं कहना चाहता है और काफ़ी मज़ा आया टूर्नामेंट को खेल के। कभी कभी मिल ही जाता है मौका हमें भी खेलने का, ऐसे आते रहते हैं तो हम खेल ही लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे आज, यहाँ काफ़ी भीड़ है, तो टूर्नामेंट में प्रतिभाग करते रहे। रोड लेते हैं मतलब गांव में जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो अगर बाहर के लोग आते तो काफ़ी खेलने के लिए, मतलब जो उनके सामने खिलाड़ी होते हैं ना उन्हें देख के काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं, तो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, यह होना भी चाहिए। और काफ़ी मज़ा आया ये खेल के। टीम जा रही है कमाल, हार गई कोई बात नहीं, हार जीत का तो ये गेम है। और जा रहे हैं इन छोटे छोटे रास्तों से, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं खेलने के लिए यहाँ पे। और ये विजेता टीम है और ये कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं। तो गाइस फाइनली मैच हो गया ख़त्म और जो टीम जीती थी वो जीत ही चुकी है। और फिलहाल हम खाते हैं सामान अपने गाँव में, तो मिशन परिस्थितियाँ होंगी दूर दूर जाऊँ सामान हमारे रूप में सामान जाएगा, यहाँ जाना होगा। और फिलहाल आज का ब्लॉग यहाँ करते हैं और कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। काफ़ी शाम हो गई और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। और गांव में आके बहुत खुशी मिली है, यहाँ तो अलग ही पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। चलो आज का ब्लॉग हैंड कर देते हैं और मिलते हैं।